इस क्षेत्र में गांधीनगर से लंबे समय से विधायक रहे और काफी आपने काम भी कराया, लेकिन अब ये सवाल ये उठ रहा है कि जब आप लोकसभा क्षेत्र चुनाव लड़ रहे हैं तो आपने वो कौन से काम सोच रखे हैं जो पूर्वी दिल्ली वाले काफी समय से उससे जूझ रहे हैं, लेकिन जो भी प्रतिनिधि बने उस तरफ ध्यान नहीं दिया और आप जीते तो उन कामों को कराएंगे? यमुना पार वालों की तो सबसे बड़ी त्रासदी ये है, इसलिए मैं पॉलिटिकल टूरिज्म पे फिर वापस आ रहा हूँ कि लोग आते हैं हमारे यहाँ चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं तो कभी कभी आते हैं और हार जाते हैं तो बिल्कुल ही नहीं आते। और सेलिब्रिटीज से तो हम बहुत ही तंग हैं। चेतन चौहान साहब आए थे यहाँ लड़ने के लिए, पिछली बारी ये कहा गया था कि श्री श्री रविशंकर जी के आर्ट ऑफ लिविंग से हमने बुलाए हैं बाबा, तो उनका तो बीजेपी ने खुद ही टिकट काट दिया। राजमोहन गांधी जी आप पार्टी से आए थे, वो जो है दोबारा पलट के कभी जमुना पार आए नहीं है। आम आदमी पार्टी जो कहती थी कि हम आम लोगों की पार्टी है, उसको पूरे जमुना पार में एक आम आदमी नहीं मिलता लड़ाने के लिए। तो ये पहली मर्तबा है कि जमुना पार का व्यक्ति लोकसभा के लिए चुनाव लड़ रहा है। ये देखिए, यही तो हम जमुना पार वालों की तो यही त्रासदी है कि इस सीट पे पहली बार जमुना पार का कोई आदमी चुनाव लड़ रहा है कि वो प्रतिनिधित्व कर सके। तो जमुना पार की तो कोई गली ऐसी नहीं है जिसमें मैं लोगों को नहीं जानता हूँ, लोग मुझे नहीं जानते हो, कठिनाई नहीं जानते हो। 5 सालों में जमुना पार में जिस तरीके से काम रुके हैं, सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड अगर कोई पार्ट है दिल्ली का तो वो जमुना पार है और ओखला है। और वो इसलिए है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरीके से कलैप्स कर गया 5 सालों में। मैं खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहा हूँ, जो बसेस खरीद के गया था आज उससे भी कम हो गई हैं, और जो नई बसेस भी हमने खरीदी थी इस महीने से 1000 बस उससे भी फेज आउट हो जाएगी। मेट्रो 2015 में चालू हो जानी थी, जो मैक्सिमम एरिया जमुना पार का कवर करता है, ओखला तक कवर करता है, आज वो 4 साल डिले चल रहा है, वो अभी भी 20% काम उसके अंदर हुआ है। हम जमुना पार के लिए मोनोरेल सेंक्शन कर गए थे, उसको इन्होंने स्क्रैप में डाल दिया है। लोहे के पुल में के बराबर में एक पुल बनना था, उसका कुछ नहीं हुआ। गाजीपुर लैंडफिल साइट की बात मैंने करनी शुरू की, आप बाकी लोगों ने भी अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया बिना ये जाने हुए कि वो तो करना ही दिल्ली गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन को है, तो उसके लिए एमपी की आवश्यकता ही नहीं और उसमें आप ऑलरेडी पावर में हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अनुभवहीन लोग प्रत्याशियों को चुनना हमेशा किसी भी क्षेत्र के लिए खतरनाक होता है।